गोड्डा के अंबेडकर नगर में घूम घूम कर ट्रॉली बैग बेचने वाले युवक ने घर में घुसकर चुराए कपड़े और जेवरात। घटना शनिवार के दोपहर की है, जब गोड्डा के अंबेडकर नगर निवासी राजीव रंजन और उसकी पत्नी अपने घर में 5 वर्ष के बेटे को छोड़कर ड्यूटी पर गए थे। तभी ट्रॉली बैग लेकर एक युवक राजीव के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर बैग लेने को कहने लगा, तो राजीव के 5 वर्षीय बेटे ने दरवाजा खोला। वहीं घर में छोटा बच्चा देखकर चोर घर में घुस गया और छानबीन करने लगा। इस दौरान बिस्तर के नीचे से उसने अलमीरा की चाबी निकाली और अलमीरा में मौजूद नए कपड़े समेत जेवरात निकालकर ट्रॉली बैग में भरकर चला गया। वहीं जब राजीव के 5 वर्षीय बेटे ने उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, तो उसने चुपचाप उन्हें टीवी देखने को कहा, तो बच्चा टीवी देखने लगा। वहीं जब राजीव रंजन शाम को ड्यूटी से घर आए, तो उसने अलमीरा खुला देखा और बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने सारी बात बताई। वहीं जब राजीव ने आसपास के घर और मोहल्ले में पता किया, तो पड़ोस वालों ने बताया कि ट्रॉली बैग बेचने वाला युवक कपड़े भी बेच रहा था, जो कपड़े राजीव के घर से चोरी हुए थे। वहीं पूरी घटना का लिखित आवेदन राजीव रंजन ने नगर थाने में दे दी है। काम हमारा बेटा का छुट्टी था संत थॉमस में, शनिवार को यूकेजी बंद रहता है, इसको घर में ही छोड़ के गए थे। और उसके बाद जब ऊपर में केयर टेकर टाइप की रखी हुए हैं कि जब नीचे में जाके देखना थोड़ा बड़ी, तो बोला कि हाँ भैया वो है, पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है अपना। तो हम लोग भी आश्वस्त हो गए कि मेरा बेटा है आराम से, तो हम लोग भी ड्यूटी आराम से करने लगे। जब वापस 3:30-4 बजे घर आए, तो पूरा गोदरेज ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था, तो देख के अचंभित रह गए कि इसमें तो ताला लगा के गए थे, चाबी कहीं और रखे थे। तो फिर बेटा से पूछे कि कौन, कोई घुसा था क्या, बोला हाँ कोई अंकल घुसे थे, वो पूरा दरवाजा ठकठका के हमसे गेट खुलवा लिया। और खुलवाने के बाद सारा सामान वो यहाँ से निकालना चालू, जैसे प्रारंभ किया तो मेरा बेटा पूछा भी कि आप क्या कर रहे हो, तो बोला तुम चुपचाप टीवी देखो। और उसके बाद सारा कपड़ा वो भर लिया ट्रॉली वाला बैग में, वो ट्रॉली बेचने के लिए आया हुआ था। और जैसे और आदमी अगल बगल का बता रहा है कि वो आया था ट्रॉली बेचने के लिए, घर में किसी को नहीं देखा, तो वो घर में घुस के सारा सामान चोरी कर लिया। अच्छा, तो वो ढकढक मतलब कि नॉक करके सब जगह बेच रहा था? हाँ, नॉक करके वो बेच रहा था, और गली में दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में भी देख रहा है। उसके पास में 3 लगेज है, उसके पास में, उस आदमी के पास में 3 लगेज है, रेड कलर का है, जिसमें कि रेड कलर का जो कपड़ा के अलावा और क्या चोरी हुआ है? कपड़ा के अलावा मेरा वो जो कुछ गोल्ड का कुछ सामान था, ज्वेलरी था 8-10 भर का, वो सारा चीज ले गया। कंगन था हमारी मैडम का, वो सारा सामान ले गया। अच्छा, जो हम लोग के पास में जो है अभी उसको खोल के हम लोग नहीं देखे। अच्छा, आपने बोला कि वो जो आपके घर से जो कपड़ा चोरी हुआ, वो कहीं और जाके बेच भी सेल कर रहा था। जब हम आके खोजना चालू किए, तो बोला हाँ इस तरह का वो कपड़ा लेके आया था हमारे पास में, लहंगा भी था मैडम का, तो वो भी बता रहा था 10,000 में हम बेचेंगे इसको। तो अगल बगल में पूछना जब प्रारंभ किए, तो हमको लगा कि हाँ वो आदमी चोरी करके वो बेच रहा था बगल में। अच्छा। इसका सीसीटीवी कैमरा फुटेज में एक जगह आया भी है दिलीप मास्टर के यहाँ। अच्छा, आपका बेटा का कितना उम्र होता है? 5 साल हो रहा है। 5 साल है, यूकेजी में पढ़ रहा है। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 10:30 बजे की घटना है। कैसे घुसा? अच्छा, कौन आए थे तुम्हारे घर में? चोर। चोर आया था, क्या किया वो? कपड़े धुला लेना, नया वाला पुराना वाला छोड़ दिया। अच्छा, नया वाला कपड़ा चुरा के पुराना वाला छोड़ दिया, और क्या क्या चुराया? और कुछ नहीं। अच्छा, चले गया। तो तुम भी घर पे ही था? तो तुमको क्या बोला वो? मैंने बोला था क्या बोले, तो मैं कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, तुमने पूछा क्या कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं बोला? अच्छा, तो वो आके क्या बोला तुमको? कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं बोला, क्या करने लगा वो? वो हाँ, वो ऐसे चलने वाला, चलने वाला बैग है ना? चलने हाँ वाला बैग, उसके अंदर नया टीशर्ट लग गया, चले गया, नया वाला कपड़ा रखे वो चला गया, नया ट्रॉली से था। क्या आप IIT JEE नीट या 11th 12th की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही ज्वाइन कीजिए साउथ इंडियन इंस्टीट्यूट चैतन्य क्लासेस देवघर। जी हाँ, अब आपके नजदीकी शहर देवघर में चल रहा है चैतन्य क्लासेस, जहाँ इन सभी कोर्सेज की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। कोरोना महामारी के इस दौर में आपको दूर शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों की सारी सुविधाएं आपको यहाँ ही मिल रही है। तो अपने बेहतर भविष्य के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए चैतन्य क्लासेस देवघर।